सारे जग को अपनी महिमा से अलंकृत करने वाले श्री हरि भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार दर्शन से मन को एकाग्रता और चित्त को परम शांति प्राप्त होती है। अलग अलग दिनों के अनुसार प्रभु को विभिन्न वस्त्रों से सुशोभित किया जाता है। सोमवार को गुलाबी, मंगल को पीला, बुध को नीला, गुरुवार को केसरी और शुक्रवार को श्वेत, शनिवार को बादली एवं रविवार को लाल वस्त्र दिए जाते हैं। श्रृंगार दर्शन के उपरांत मध्यान्ह भोग एवं राजभोग होता है। धूप ज्योति एवं घंटों की मधुर ध्वनि के साथ मंदिर के मुख्य पुजारी के द्वारा नित होने वाली आरती भी दर्शनीय होती है। यहां प्रतिदिन भगवान को माखन और मिश्री का भोग लगाया जाता है। हजारों रूप हजारों चरण वाले शाश्वत पुरुषोत्तम की सत्ता का प्रतीक ध्वजा के रूप में मंदिर के ऊपर लहराता रहता है। ये ध्वजा संपूर्ण जगत में फैले भगवान की शक्ति को दर्शाता है। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। इस मंदिर में अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर भक्तों द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ध्वजारोहण के पश्चात
ब्रह्म भोज कराना पड़ता है। यदि ये संभव न हो तो अन्नदान से भी विधि संपन्न की जा सकती है। वशिष्ठ पुत्री गोमती जी के मंदिर में नित्य पूजा, आरती एवं घंटनाद से सारा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। गोमती स्नान की महिमा अपूर्व है। श्यामल स्वरूप भगवान के दर्शन हेतु आने वाले भक्तों को सर्वप्रथम गोमती नदी में स्नान करना चाहिए। हरि नाम धुन लागे मेरे मन में बसे नंद लाला हो, मेरे मन में बसे नंद लाला हो। श्याम धुन द्वारका तीन है, गोमती द्वारका, मूल द्वारका तथा बेट द्वारका। गोमती नदी के कई घाट हैं, संगम घाट, नारायण घाट, वसुदेव घाट, गौ घाट, पार्वती घाट, ब्रह्म घाट, मर्दन घाट, सरकारी घाट, गंगा घाट, हनुमान घाट आदि। गोमती जी एवं सागर का यह सुंदर संगम भक्तों का मन बरबस ही मोह लेता है।